आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया है और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को रहने के लिए घर हो, ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व न हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है, आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं। कौन खुश नहीं है? कौन खुश नहीं? तरीका ठीक नहीं है। हो गया? प्लेट, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। आप बोलिए। नहीं नहीं प्लीज अजय जी, आपको धन्यवाद करके शुरू करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार अजरा अमर रहे। प्लीज प्लीज प्लीज, आजादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में भी जब रोशनी होती है तो उसकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देती है। चूल्हे के धुएं से जलती हुई आंखों के साथ काम करने वाली मां को, गरीब मां को, और जिस देश में घर में गैस कनेक्शन हो यह स्टेटस सिंबल बन चुका था, उस देश में गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति हो, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। हमारी माताएं बहनें उनका पूरा प्लीज शक्ति प्लीज दादा प्लीज बैठिए। आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया, तरीका ठीक नहीं है दादा। नहीं, दादा को बीच बीच में मौका देना चाहिए क्योंकि दादा उम्र के इस पड़ाव में भी बचपना का मजा लेते रहते हैं। आज गरीब का बैंक में अपना खाता हो, आज बैंक जहां गए बिना गरीब भी अपने टेलीफोन से बैंक के खाते का उपयोग करता हो, सरकार के द्वारा दिए गई राशि सीधी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उसके खाते में पहुंचती हो, ये सब अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते, अगर आप जनता के बीच में रहते होते तो जरूर ये चीजें नजर आती, दिखाई देता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं।
और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है, कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान रहे हैं और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं।